हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी दोस्त और होस्ट यामिनी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फॉन्ड ऑफ थ्रेड्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्रेम में फैब्रिक फिट करना बताने जा रही हूँ। ये मैंने एम्ब्रॉयडरी फ्रेम ले लिया है, ये कई शेप और कई साइजेस में अवेलेबल है। ये एक्चुअली दो रिंग की एक कॉम्बिनेशन होती है। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, ये रिंग आपकी अलग हो गई इस तरह से। ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है, ठीक है। अब मैं इसमें फ्रेम में कपड़ा लगाना बताऊंगी आपको। सबसे पहले इनर सर्कल रखेंगे इस तरह, और उसके ऊपर अपना कपड़ा को आराम से अच्छे से प्लेस कर देंगे। मेक श्योर कि सारी तरफ, यानी कि राउंड आपका पूरा का पूरा फैब्रिक से ढंग से कवर हो जाए। और सावधानी ये रखनी है कि इस तरह से आपने कपड़ा प्लेस नहीं करना कि आपका एक तरफ मार्जिन नैरो है, कम है मार्जिन। इससे ये होना वो होगा क्या, आपका ये जो जब हम फ्रेम दूसरा वाला आउटर रिंग फिट करते हैं इसमें, तो वो यहां से कपड़ा हमारा लूज रह जाता है इस साइड से। तो आपने क्या करना है, पहले इनर सर्कल रखना है, उसके ऊपर फैब्रिक प्लेस करेंगे हम, और उसके बाद आउटर सर्कल। आपका फैब्रिक अच्छी तरह से प्रेस होना चाहिए, उस पर रिंकल्स नहीं होने चाहिए। ये हमने फिट कर दिया। अब बिल्कुल सावधानी से और हल्के हाथों से इसको हल्का हल्का खींच के स्प्रेड कर लेंगे। आपका वो कपड़ा पहले से आयरन किया हुआ होगा तो आपके काम में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये हमने फिट कर लिया है। जरूरत पड़ने पर इसकी टेंशन को आप टाइट और लूज भी कर सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपको बताया कि फ्रेम में फैब्रिक किस तरह से अटैच होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।